उसमें एक नंबर से भी ऊपर है, है इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं है। हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। प्रबल दावेदार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो चुनावी मैदान से लगभग बाहर हो चुकी है, अभी आपकी मुलाकात छोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी से हुई, तो क्या आपकी चर्चा हुई, क्या चुनावी माहौल को लेकर कोई चर्चा हुई, और किस तरीके से आप देख रहे हैं उनका जनसंपर्क लोगों से लगातार हो रहा है, तो इसमें क्या उनकी भूमिका और आपकी क्या भूमिका पार्टी की? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल से या कोई व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, ये तो सिद्धांतिक लड़ाई होती है। अभी माननीय रेणु जोगी से लगभग कई वर्षों बाद जब मेरे को लोगों ने कहा कि वहाँ बैठी हुई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है जो मेरे सीनियर हैं तो उनसे मुझे मिलना चाहिए, और इसलिए मैंने उनसे कट से मिलने के लिए गया था। कोई राजनीतिक विषय नहीं है, औपचारिक बात हुई, बहुत दिन से मिले तो हालचाल कैसा है, क्या है, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूछा उन्होंने, आपका क्या क्या हुआ था, ये ऐसे अनौपचारिक बात हुई और बाकी कोई विषय नहीं। मरवाही विधानसभा क्षेत्र काफी बहुमूल्य विधायक क्षेत्र है, और इस बार चुनावी मैदान में दोनों पार्टी से डॉक्टर प्रत्याशी, और स्वास्थ्य सुविधा बहुत लचर है इस क्षेत्र की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर आते हैं गंभीर सिंह जी, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? अरे, विकास के मुद्दे तो जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जो कांग्रेस जानबूझ के नहीं कर रही है, हैं, उसको पूरा करने का काम गंभीर सिंह का, और डॉक्टर गंभीर सिंह तो इतने बड़े डॉक्टर हैं। मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें नंबर एक पर, अरे भाई पहले से भी ऊपर है, हैं, वो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में हो सकती है, हैं, लेकिन मरवाही का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक नंबर से भी ऊपर है, है, इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं है। हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। प्रबल दावेदार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो चुनावी मैदान से लगभग बाहर हो चुकी है, अभी आपकी मुलाकात छोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी से हुई, तो क्या आपकी चर्चा हुई, क्या चुनावी माहौल को लेकर कोई चर्चा हुई, और किस तरीके से आप देख रहे हैं उनका जनसंपर्क लोगों से लगातार हो रहा है, तो इसमें क्या उनकी भूमिका और आपकी क्या भूमिका पार्टी की? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल से या कोई व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, ये तो सिद्धांतिक लड़ाई होती है। अभी माननीय रेणु जोगी से लगभग कई वर्षों बाद जब मेरे को लोगों ने कहा कि वहाँ बैठी हुई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है जो मेरे सीनियर हैं तो उनसे मुझे मिलना चाहिए, और इसलिए मैंने उनसे कट से मिलने के लिए गया था। कोई राजनीतिक विषय नहीं है, औपचारिक बात हुई, बहुत दिन से मिले तो हालचाल कैसा है, क्या है, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूछा उन्होंने, आपका क्या क्या हुआ था, तो ये ऐसे अनौपचारिक बात हुई।